हेलो दोस्तों, आज गुंजन के किचन में कान्हा जी की छट्टी मनाई जाएगी। आइए देखिए कहाँ क्या क्या हम बनाते हैं। हमने कढ़ाई में घी डाला, घी डाल के थोड़ा सा आटा भूंज लिया है। इसका हम हरेरा बनाएंगे। ये कढ़ाई में हम तेल डाल रहे हैं, इसी में हम पूड़ी छानेंगे। कान्हा जी के लिए तेल की पूड़ी बनाएंगे, हरेरा पूड़ी बनाएंगे। ये पूड़ी हम छान ले रहे हैं, पूड़ी छान के रख लेंगे तो इसी कढ़ाई में हम पनीर बनाएंगे कान्हा जी के लिए, उनकी छट्टी में जो हमसे बन पड़ेगा वो हम बना रहे हैं। और पूड़ी छान के रख लेंगे तो पूरी पूड़ी इसी तरह हम छान लें तो आप लोग को दिखाएं। और थोड़ा सा हमने मिक्सी के जार में काजू, बादाम, किशमिश, छुहारा और सौंठ, ये सब सारे मसाले हैं। ये देखिए इसमें सौंठ हमने कूट के डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ा मिक्सी में पीस लेंगे। पनीर भी हमने घर में ही जमाए लिए थे, अब इसको हम थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। और ये हरी मटर है, हमने बाहर से थोड़ा मंगा लिया था। और पनीर को हम अच्छी तरह से थे छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। पनीर को हम तलेंगे नहीं, हम सादी पनीर डालते हैं। अगर स्टूडेंट देखते हैं तो उनके लिए मैं बोलूँगी, पनीर जब भी बनाएं छोटे छोटे टुकड़े में इसको काट लें। और प्याज को छोंक के पीसने कोई आवश्यकता नहीं है। प्याज को बढ़िया अच्छी तरीके से थोड़ा सा मिक्स पीस लें और उसको ग्रेवी बना के कढ़ाई में छोंक दें तो अच्छी तरह से मिल जाता है। हमने ये कढ़ाई में हरेरा के लिए घी डाला है। हमने जो आटा भूंज रखा था उसको पानी मिला के थोड़ा पेस्ट गीला कर ले रहे हैं। तो उसको गीला हो जाएगा तो आराम से मिक्स हो जाएगा। कढ़ाई में हमने घी डाला है, घी डाल के हल्दी डाला। हल्दी का कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है। और जो हमने मसाला पीस रखा था उसको देखिए कि डाल दिए हैं उसी में। इसको खूब अच्छी तरह भूंज लेंगे तो इसमें सौंधापन आने लगता है थोड़ा सा। और डालने के बाद अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और ये जो बगल हमने पूड़ी छानी थी कढ़ाई में उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और काली मिर्च डालेंगे। इसी में हम पनीर का मसाला डालेंगे जो हमने पीस के रखा है। प्याज पीस के हमने कच्ची प्याज को पीस लिया है आज। और पीस के हल्दी एक चम्मच डाल दी उसी तेल में। जो तेल में डाल दो हल्दी अच्छी तरह से पक जाती है तो कलर बड़ा सुंदर आता है। अब हमने जो प्याज पीस रखा था उसको ये डाल दिए हैं। अब थोड़ी देर भूंजेंगे उसी में अब उसी प्याज में हम हरी मटर डाल देंगे। ये देखिए हम हरी मटर डाल रहे हैं और डाल के इसे में पकाएंगे। थोड़ा सा भूंज लेंगे, भूंजने के बाद इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। और बगल जो हम हरेरे का मसाला भूंज रहे हैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से, ये हम पानी डाल रहे हैं, अच्छी तरीके से पूरा मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाएगा तो गुलठी नहीं बनेगी, अच्छी तरीके से पेस्ट खूब अच्छा गीला गीला हो जाएगा। ये थोड़ा हमने पनीर में 2 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है। पूड़ी हमारी बनके तैयार है। देखिए बगल हमने चावल भी डाल दिया था। हरेरे में गुड़ डालना चाहिए तो बहुत अच्छा बनता है। गुड़ को अब हम अच्छी तरह से मिलाएंगे, मिक्स हो जाएगा तो। और 2 चम्मच हमने चीनी भी डाला है। अच्छी तरह देखिए कैसे उबल रहा है। अब बगल हमने पनीर भी बना रहे हैं इसलिए जो है पनीर में मसाला पनीर का डाल दिए हैं। आटा हमने जो भून के रखा था उसको पानी में घोल लिया है। घोल के उसमें देखिए कढ़ाई में हम डाल दिए हैं पूरा। देखिए कितना अच्छी तरह से हलवा टाइप बन गया है। पनीर में हमने मसाला भी डाल दिया।
टमाटर पीस के रखा था हमने, उसको भी डाला है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पनीर में हमने अपने अंदाज से पानी डाला है। अब अच्छी तरीके से ये पक जाएगी तो हमने स्वाद के अनुसार नमक डाला है। पेस्ट अच्छी तरह से पक गया है। अब हम उसमें पनीर डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। धनिया डाल दिया हमने, अब इसको अच्छी तरीके से ढक देंगे। ढकने के बाद जो है ये हमने कान्हा जी के लिए एक छुहारा और काजू बादाम चिरौंजी गरी और थोड़ा सा इसमें किशमिश भी डालेंगे। कटोरी में भोग लगाने के लिए देखिए मेरा हरेरा तैयार है। अब हरेरा, एक कटोरी में हरेरा निकालेंगे, एक कटोरी में पनीर की सब्ज़ी निकालेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हमने चावल जो बनाए थे थोड़ा सा चावल भी रखेंगे। पूड़ी देखिए हमारे कान्हा जी की थाली तैयार हो रही है। एक गिलास पानी भी हमने रखा है कान्हा जी के लिए। आज हमने उनकी छठी इसी तरह मनाई है। भगवान ने जो दिया है वही हम लोग, थोड़ा सा हमने लड्डू भी रख लिया है कान्हा जी के लिए। और ये मेरे कान्हा जी हैं, अब हम उनको थोड़ा सा दीपक जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे। नहलाने के बाद, दिया दिखाने के बाद अब कान्हा जी को हम अपना जो खाना बनाया था हमने उसका भोग लगाएंगे। उसके बाद कान्हा जी को हम आज छठी के दिन काजर लगाएंगे। और काजर लगाने के बाद हम अपने पूरे परिवार को भी यही काजर लगाएंगे। कान्हा जी को हम थोड़ा सा प्रसाद जो हमने भोग बनाया है थोड़ा सा उनको हम खिलाएंगे। उनकी कृपा से हम लोग के ऊपर भी कृपा बनी रहे। हमने पंखी भी यहाँ की थी थोड़ा कान्हा जी के लिए। और अब मैं इनको गोदी में बिठा के काजर लगाऊंगी। बहुत अच्छा हमको लगा था उस समय। भगवान सबके घर में अन्न धन का भंडार भरे। ये मैं कान्हा जी को काजर लगा रही हूँ। कान्हा जी के काजर लगाने के बाद हम यही काजर अपने सब पूरे परिवार को लगाऊंगी, अपने लड़के को लड़की को। और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्ते दोस्तों।